सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स विद ब्रोस। एक बार फिर से आपके साथ गेमिंग विथ न्यूज़ में नंबर 5 के अपडेट की बात करेंगे आज। नंबर 5, इंग्लैंड लाइकली टू रीच आउट मोइन अली टू रीकंसिडरेशन फॉर टेस्ट। तो मोइन अली जो जिन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले लिया था कुछ समय पहले, उनको वापस से एसेस के लिए लाने की फिराक में है इंग्लैंड। और एसेस जो कि काफ़ी उनके लिए इंपॉर्टेंट सीरीज होती है हमेशा से, उसमें मोइन अली को वो लाना चाहते हैं और को खिलाना चाहते हो चाहते हैं कि अपना रिटायरमेंट वापस ले ले। और पहले भी किया उन्होंने काफ़ी बैट्समैनों के साथ, देखते हैं इस बार क्या मोइन अली मानते हैं या नहीं मानते हैं। बहुत सारे चांसेस हैं कि मान ही जाएंगे और वो खेलते हुए नज़र आएंगे एसेस में, नज़र आ सकते हैं एसेस में। नंबर 4, और नंबर 4 की स्टोरी थोड़ा सा एक वैसी है जिस पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी चल रहा है। यश दयाल गुजरात टाइटंस के पेसर, इंडियन टीम के लिए एक बार एज नेट बॉलर सिलेक्शन हो गया था। उनका जो है कल उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया जो कि थोड़ा सा बहुत सारे कम्युनिटी के लोग पसंद नहीं आया, हालांकि सच ही था वो एक तरीके से, बट उन्हें वो लगा कि वो हेट फैला रहे हैं या वो, और उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ उनका। जो एक लव जिहाद हमारे यहाँ एंगल चलता है उस पर उन्होंने पोस्ट शेयर किया था अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर, उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा है उनका एक विशेष वर्ग के लोगों से, और कहा जा रहा है कि वो हेट फैला रहे हैं। तो वो चीज़ थी, लेकिन कुछ देर बाद यश दयाल पोस्ट करते हैं कि मैंने जो स्टोरी की थी, मतलब मैंने दो स्टोरीज मेरे नहीं लगाई थी, वो गलती से किसी और से लग गई या फिर मेरा अकाउंट मेरे कंट्रोल में नहीं था, और उन्होंने इस चीज़ को कंप्लेन भी किया है। तो उनका पॉइंट हो सकता है वो हैकिंग को लेकर हो सकता है कि उनका अकाउंट शायद हैक हुआ था या किसी और ने यूज़ किया था उस टाइम पर। उनका कहना है कि वो स्टोरीज उन्होंने नहीं लगाई थी उस टाइम पर। तो ये एक वो चल रहा है, एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है इस पर, और बाकी देखते हैं क्या होता है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो उस पर वो नहीं है, क्योंकि एक सच्ची था मेरे हिसाब से। नंबर 3, महाराष्ट्र प्रीमियर लीग एक होने वाली है जिसमें आपको बहुत सारे सुपरस्टार दिखने वाले हैं आईपीएल के, इंडिया खेले हुए आप, उसमें आपको ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिलेंगे, उसके अलावा केदार जाधव देखने को मिलेंगे जो कि पहले खेलते थे भारत से, उसके बाद राहुल त्रिपाठी, राजवर्धन हंगरेकर, ये लोग आपको पुणे, कोल्हापुर, नासिक और संभाजीनगर से क्रमशः खेलते हुए दिखेंगे। इस टूर्नामेंट का 20 लाख ही पर्स है, बट जो खिलाड़ी हैं पहले सीजन में खेल के इस लीग को थोड़ा लोकप्रिय बनाने का प्रयास में है। तो अगर आप सीएसके के दो प्लेयर्स हैं वैसे और सनराइजर्स के फ़ैन हैं या इंडियन टीम के फ़ैन हैं, तो आप इन चारों का गेम जाके वहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी आज की तीसरी अपडेट। दूसरी अपडेट की बढ़ें तो इंडियन टीम ने दो, जो कि महिला टीम हॉकी टीम थी जूनियर, उन्होंने 2-1 हरा दिया है मलेशिया को कल उनका दूसरे लीग मैच में। तो कमाल की जीत रही है, कंग्रेचुलेशन टू द टीम। नंबर 1 की न्यूज़ एक बार फिर से रेसलर प्रोटेस्ट, और यहाँ पे साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया उन दोनों ने ये कहा है कि उन दोनों को लेकर कल एक खबर चल रही थी कि प्रोटेस्ट उन्होंने छोड़ दिया है, प्रोटेस्ट अब नहीं हो रहा है। तो उन्होंने इस डाउट को मिटाते हुए लिखा है कि जो ये न्यूज़ चल रही है वो बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है, एक फेक न्यूज़ चलाई जा रही है आंदोलन को भड़काने वाले लोगों द्वारा, और ऐसा कुछ नहीं है। जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता है तब तक आंदोलन चलता ही रहेगा। वो उन्होंने कुछ अपने पुराने काम, जैसे कि साक्षी मलिक रेलवे में अपनी लौटी हैं, पुराने जो उनका काम था उसमें, और जो बजरंग पुनिया साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि ये हमारे नुकसान पहुंचाने के लिए, हमें हमारा आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, और ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता हम तब तक करते रहेंगे आंदोलन। तो ये थी आज की 5 अपडेट्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियोज़ में। जय हिंद।